Hello, today we will start with Friedel-Crafts reaction. This reaction is a set of two reactions. First one is alkylation and second one is acylation. Okay, so it is a set of two reactions, alkylation and acylation. And it is a type of electrophilic substitution reaction. Okay, it is a type of electrophilic substitution reactions. Now, first of all, let's discuss alkylation. Okay, सबसे पहले हम discuss करेंगे alkylation. As the name suggests, alkylation में क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप. ओके, एल्काइलेशन में क्या हुआ? एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप. किस पे हो रहा है एडिशन? वी हैव बेंजीन रिंग, ठीक है, उस पे हमने ऐड किया एल्काइल क्लोराइड. यू कैन ऐड एनी एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक एनहाइड्रस aluminium chloride. Okay, and when you add this, what is the product that you get? See, this benzene ring, it is having hydrogens, one hydrogen on each carbon. Okay, so now I am replacing this hydrogen with this R group. Okay, so R group attacks as R plus carbocation and H is removed as H plus. So it is what? A electrophilic substitution reaction. Okay, now let's talk about the mechanism of this reaction, that how is this reaction happening. Okay, so we have benzene ring. Okay, along with that I have alkyl chloride and anhydrous aluminium chloride. Okay, so these are the three things that I have. Okay, now first of all, if I look at this catalyst, that is AlCl3, aluminium is having only three bonds. So it means that aluminium is having six electrons in its octet. Okay, since six electrons, it means it is electron deficient in nature. Okay, and I have also this alkyl chloride, RCl, and chlorine is having how many lone pairs? Three lone pairs. Ab chlorine ke paas lone pair hai. Okay, और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको. तो ये क्या क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको डोनेट कर देगा? एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल गेट, एल्यूमिनियम से क्या बन जाएगा आपके पास? AlCl, कितने क्लोरीन हो गए? फोर क्लोरीन. और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं क्लोरीन से, सो देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज ऑन एल्यूमिनियम. ओके, एंड अब इधर क्या बचा? ये आर के पास बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन वो भी ले गया. सो क्लोरीन इज नाउ हैविंग, क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले गया, तो आर के ऊपर क्या बचा बेटा? पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो इट मीन्स आई एम हैविंग दिस कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेप नंबर टू. अब हमारे पास एक इंटरमीडिएट रेडी हो गया है. कौन सा इंटरमीडिएट है ये? कार्बोकेटायन. ओके, सब इंटरमीडिएट है मेरे पास. मेरे पास सबस्ट्रेट है ओरिजिनल. ओरिजिनल सबस्ट्रेट क्या है बेटा हमारे पास? बेंजीन रिंग. और इस बेंजीन में हर कार्बन के पास एक बॉन्ड पे क्या है? हाइड्रोजन है. ठीक है, अब देखिए ये है मेरे पास आर प्लस. अब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, और आर ग्रुप के पास क्या है?
डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बेंजीन के पास है, तो बस काम बन गया हमारा. दिस बेंजीन विद इट्स इलेक्ट्रॉन्स अटैक्स ओवर दिस आर ग्रुप. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, अब देखो, अब इस डबल बॉन्ड में दो कार्बन थे जो इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स से हमने क्या किया, आर के साथ बॉन्ड बना लिया. एक बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ था ही था. अब देखो, अगर मैंने आर का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, तो ये जो कार्बन है मेरा, दिस कार्बन, इसके तो इलेक्ट्रॉन चले गए, सो इसके पास क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई. देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर दिस कार्बन. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस. अब देखो, ये भी तो था मेरे पास जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो AlCl4 है, मैं क्या कर रही हूँ, इसको AlCl3 एक तरफ, क्लोरीन एक में इधर बॉन्ड बना के लिख रही हूँ, ठीक है. तो ये क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है. ओके, उससे क्या होगा, हमारे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, हाइड्रोजन वाले, ये वापस से यहाँ आते हैं. अब ये क्या हुआ, टू अगेन रीगेन दी एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग, क्योंकि इस स्टेप से क्या हो रहा है बेटा, रिंग वापस से क्या बन रही है, एरोमेटिक बन रही है. सो डबल बॉन्ड हेयर ऑल्सो अगेन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आर ग्रुप, ठीक है. अब देखिए, साथ में ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलके क्या बना लिया, HCl, और आपका जो कैटलिस्ट था दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो क्या हो गया, यहाँ पे रीजेनरेट हो गया. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बहुत सिंपल रिएक्शन है एंड येट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू वेरी मच.